क्योंकि किसानों पर काफी अत्याचार किया जा रहा है इस फासीवादी नाजीवादी सरकार के द्वारा। इतना अत्याचार भाई, इतना अत्याचार कि उनकी छोटी छोटी सी डिमांडें हैं, वो छोटी छोटी डिमांडों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। नाजीवाद और फासीवाद तो इतना बढ़ गया है कि हिटलर खुद आके मोदी जी तो कहने लग रहा था, मोदी जी अरे थोड़ी बहुत तो कसर छोड़ दो, कति भाई मेरा भी नाश मार के मानोगे, मेरा कुछ एक तो नाम रह लेने दो। और इस फासिज्म से लड़ने के लिए किसानों ने आज कुछ फोटोज के साथ अपना प्रदर्शन किया, और उन फोटोज में अन्नदाताओं की फोटोज को लगा के उन्होंने जो काम किया है वो फासिज्म की पूरी पोल खोल देता है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस फासिज्म की पूरी पोल खोलने में हम आपके साथ हैं। तो जी कुछ लौंडे बदमाशी के आइकॉन बने हांड रहे थे, तो फिर किसानों ने उन्हीं बदमाशी के आइकॉनों के फोटो आज लगा दिए। वैसे तो इनके फोटोज उठाने से हमें हमारा घंटा भी फरकना पड़ता, पर जो फोटोज थी ना वो काफी इंटरेस्टिंग थी। ये लोग आज ह्यूमन राइट्स डे मना रहे थे टीकरी बॉर्डर पर, और इसको मनाते हुए ये जो फोटोज थे उनमें उन्होंने उमर खालिद, शर्जील इमाम और वरावरा राव, सुधा भारद्वाज, ऐसे ऐसे अन्नदाताओं के फोटोज लगाए। इनकी डिमांड थी कि इन्हें जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि इनका चांद सा चेहरा देखे बिना गेहूं उगता ही नहीं है। कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किसान यूनियन ने अमित शाह के सामने कुछ शर्तें रखी, और उनमें से एक शर्त यही थी कि इन लोगों को रिहा किया जाए। जब ये किसान का प्रोटेस्ट चालू हुआ था तो उनकी केवल एक डिमांड थी, और वो डिमांड थी कि कानून के अंदर MSP को मेंशन किया जाए। अब सरकार ने जब कह दिया है कि हाँ भाई हम इसको मेंशन कर देते हैं लिखित रूप से, तो उसके बाद भाई किसान यूनियन नाट गया, कह रहे हैं कि ना 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 मेंशन मत करो, हमारी तो ये वाली जो डिमांड्स हैं ये सब पे आप हामी भरो, नहीं तो प्रोटेस्ट यूं ही चल लगा। किसान के रूप में शर्जील इमाम, उमर खालिद की रिहाई मांगती हुई ये आंटिया हमें ये बता दें कि शर्जील इमाम कोई टिंडा है जो खेत में लग रहा था। अब से कुछ दिन पहले दिलजीत दोसांझ कंगना से इस मारी गुथ गया, क्योंकि कंगना ने 100-100 रुपए में आई है का ट्वीट लिख दिया था। लेकिन भाई अब तू ये बता दे, ये वाली फोटोज देख के प्राउड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन भाई इस बात का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है दिलजीत दोसांझ को प्राउड फील हो रहा हो, क्योंकि दिलजीत वो आदमी है जिसने साल 2017 में एक ट्वीट लिखा था जगतार सिंह जोहल के लिए। जगतार सिंह जोहल वो आदमी था जब पंजाब के अंदर टेररिज्म था, तो इस आदमी ने बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल किया था टारगेट बना बना के, और उसके बाद ये भारत से भाग के ब्रिटेन चला गया था और वहां की नागरिकता ले ली थी। 2017 में इसको पकड़ा गया था, और तब भाई ने एक पूरा आंदोलन सा ही चला दिया कि इसको फ्री किया जाए। इस तरीके के ट्वीट पेल पेल के मार रहा था भाई। तो अब दिलजीत जी जानते हैं कि ये माताएं बहनें जिन जिन के फोटोज प्लेकार्ड लेकर बैठी हुई हैं ये किनके हैं, ये कौन से अन्नदाता हैं ये? तो ये सबसे पहले हैं शर्जील इमाम। शर्जील इमाम वो आदमी है जो भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा था, और कह रहा था कि चिकन नेक को ब्लॉक कर दो जिससे नॉर्थ ईस्ट जो है भारत से अलग हो जाएगा, और इस तरीके के प्लान करते हुए ये भाई साहब पकड़े गए थे। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक है? नहीं जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। आसाम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है? तो UAPA लगाकर पुलिस ने इनको धर लिया था। वैसे तो बात अलग है कि रवीश कुमार इसको सेव करने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको ये बताया गया है कि शर्जील इमाम ने शाहीन बाग के आंदोलन को अहिंसात्मक भी कहा है और नहीं चाहता कि वो हिंसात्मक हो, और इसके वापस लेने का ऐलान भी किया था जिसे किसी ने नहीं माना? मगर इनका तो काम है ऐसे लोगों को सेव करना, मगर इन माताओं बहनों का या इन किसानों का क्या काम है ऐसा सेव करने का? अब बात करते हैं सुधा भारद्वाज और वरवरा राव जैसे लोगों की। सुधा भारद्वाज वरवरा राव जैसे लोगों को 2018 में अरेस्ट किया गया था, और इनके ऊपर जो आरोप था वो था मोदी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अगस्त 2018 महाराष्ट्र की पुलिस को एक लेटर मिलता है, रोना विल्सन का लेटर कॉमरेड प्रकाश के लिए लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि उम्मीद है 8 करोड़ की डिटेल्स तुम्हें मिल गई होंगी जिनकी जरूरत ग्रेनेड लॉन्चर को लेने के लिए पड़ेगी।
कॉमरेड किशन के साथ बाकी सीनियर लीडर्स ने मोदी राज को राजीव गांधी की तरह खत्म करने का प्लान कर लिया है। तो जी, राजीव गांधी की तरह खत्म करने का प्लान कर लिया है, मोदी को राजीव गांधी की तरह मारने का प्लान कर लिया है, ग्रेनेड मंगा लिए हैं और फिर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये केवल एक लेटर था जिसका मैंने जिक्र किया, ऐसे अनेकों लेटर्स मिले थे पुलिस को और उसी के बेसिस पे सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, वर्नन गोंजाल्वेस और वरवरा राव जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया था। सुधा भारद्वाज का खुद का लेटर होता है जिसमें वो लिखती हैं कि वो कैसे इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर कर रही हैं, कैसे वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट के टच में हैं और पैसा अरेंज करने के लिए वो आगे कह रही थी, और वो कह रही थी कि इस पैसे से जेएनयू के स्टूडेंट्स को इंटीरियर्स में भेजा जाएगा। साल 2018 के अरेस्ट हैं और जब ये अरेस्ट हुए थे उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, एकदम फांसीवाद आता हुआ दिखाई दे गया था और सबने कह दिया था कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। और उसके बाद लगातार अभी तक इस तरीके के ट्रेंड्स हमें ट्विटर के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको बचाने के लिए कोर्ट में नहीं गए, ये लोग कोर्ट में बार बार गए और कोर्ट ने बार बार इनकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देता है कि इनके अगेंस्ट तगड़े प्रूफ्स हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा और इनको हाउस अरेस्ट करने की बात कह देता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन तभी इनके कुछ ईमेल एक्सचेंज मिलते हैं गणपति के साथ, और गणपति वो आदमी है जिसके ऊपर 3.5 करोड़ का इनाम भारत की सरकार ने रखा हुआ है, ये एक भगोड़ा माओवादी है। कोर्ट इनकी बेल रिजेक्ट करता है अक्टूबर 2018 में, फिर 14 जनवरी 2019 में, फिर 15 अक्टूबर 2019 में, फिर 28 अगस्त 2020 में और 24 सितंबर 2020 में। लगातार कोर्ट में ये लोग गए, लगातार कोर्ट ने इनकी बेल को डिनाई कर दिया और उसके बाद अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़कों पर उतर गए हैं। उमर खालिद वो आदमी है जिसको एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़काने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के पास बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि उमर खालिद वन ऑफ दोज था जिसने वो दंगे को भड़काया। एक प्राइवेट मीटिंग के दौरान उमर खालिद ने कहा, संघियों की सरकार ऐसे नहीं मानेगी, इसको मनाने के लिए खून बहाना होगा। ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का कोऑर्डिनेटर, जिसने पुलिस के सामने खुद ने इस बात को कबूल किया कि दंगे मैंने भड़काए थे क्योंकि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था, और उसी का ही ये बयान है कि उमर खालिद भी इस प्लान में शामिल था। उमर खालिद और उसकी जो मीटिंग थी वो उमर खालिद के एक दोस्त ने कराई थी जिसका नाम था खालिद सैफी, और ये जो माताएं हैं ये खालिद सैफी का फोटो यहां पर लेके घूम रही हैं, उमर खालिद का भी फोटो यहां पर लेके घूम रही हैं। खालिद सैफी ने उमर खालिद और ताहिर हुसैन की जो मीटिंग थी वो शाहीन बाग के अंदर पीएफआई के दफ्तर में करवाई थी। अब भाई पीएफआई के ऑफिस में वो एक दूसरे के बुड़का भरने तो गए नहीं होंगे, यहां पर हुई थी प्लानिंग। और ताहिर हुसैन के खुद के कन्फेशन के हिसाब से ये कह रहे थे कि उमर खालिद वो आदमी है जिसने कहा था कि इस काम को करने के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। खालिद सैफी का काम था लोग इकट्ठे करना, ताहिर हुसैन का काम था हथियार इकट्ठे करना, और ताहिर हुसैन के कन्फेशन के हिसाब से उमर खालिद ने ही ताहिर हुसैन को कहा था कि तेजाब भी इकट्ठा कर लियो भाई, अब इनको छोड़ दिया जाए, ऐसी डिमांड किसान कर रहे हैं। भाई मारे किसान तो नहीं कर सकते, पर तुम्हारे किसान कर सकते हैं क्योंकि तुम बदमाश आइकॉन जो ठहरे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं, आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट वांछनीय है, और इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगहों पर, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।